हेलो मित्रों, मैं सत्येंद्र सिंह लोहिया अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक खिलाड़ी विक्रम अवॉर्डी राष्ट्रीय अवॉर्डी। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नॉर्गे तेंजिंग अवॉर्ड के लिए मेरा नाम घोषित हुआ है। मैंने अभी तक 7 राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें 21 पदक अपने प्रदेश के लिए हासिल किए और साथ में हमने 3 अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया और उसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल, 1 सिल्वर मेडल अपने देश के लिए दिलाया। साथ में हमने एडवेंचर सी स्विमिंग भी किया। 2018 में लंदन का जो इंग्लिश चैनल है उसको अपने रिले के माध्यम से 12 घंटे 24 मिनट में पार किया और पिछली जो साल 2019 में कैटरीना चैनल को हमने अपने रिले के माध्यम से अपने साथियों के साथ पार किया। ये हम इस कारण से कर पाए क्योंकि हमारी जो दिव्यांगता है वो हमने कभी अपनी दिव्यांगता को कमी नहीं समझा। हमने जो कमी है वो कमी को ही हमने अपनी ताकत बनाई और तब कभी जाकर हमने ये अचीवमेंट अपने प्रदेश और देश के लिए दिलाए। क्योंकि मेरा मानना है कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है उसे चाहे शारीरिक दिव्यांग हो या कोई भी प्रॉब्लम हो उसके जीवन में कोई मैटर नहीं करती है। मैटर करती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति और उसकी सोच कितनी मजबूत है, इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मेरा मानना है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिव्यांगता कोई रुकावट नहीं आती। जो दिव्यांगता होती है वो कोई शरीर की नहीं होती, वो मन और सोच की होती है। क्योंकि कहते हैं डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। जो व्यक्ति की सोच और मन और व्यवहार है वही विकलांगता है, शरीर की कोई विकलांगता नहीं होती। क्योंकि मैं कहता हूँ कि दिव्यांग लोगों को सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उनको समान अवसर और उनको प्लेटफॉर्म और सम्मान की जरूरत है। इसीलिए हम और आप सभी को दिव्यांग लोगों को प्लेटफॉर्म और उनको समान अवसर देने की जब हम आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे तो दिव्यांग जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, दिव्यांग भी अपने प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर सकता है। क्योंकि दिव्यांग को कोई भी हो जिसकी सोच और मन मजबूत है उसको कितने भी प्रॉब्लम हो चाहे शरीर की हो फाइनेंशियली हो वो जीवन में रुकेगा नहीं, वो मंजिल पाएगा। जिसकी सोच और मन कमजोर है उसके सामने कितने भी अवसर देने जाओ वो सिवाय बहाने के कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं एक बार कहना चाहता हूँ चाहे दिव्यांग हो या सामान्य, जिसको तमन्ना सच्ची होती है उसको रास्ते मिल जाते हैं, जिसकी तमन्ना सच्ची नहीं होती है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसे बहाने मिल जाते हैं। इसीलिए मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि मैं ही नहीं, अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी तमन्ना को सच्ची रखेंगे तो आप भी, मैंने जिस तरीके से अपने जीवन के संघर्ष के साथ अभी तक जो हासिल किया है आप भी प्राप्त कर सकते हैं। हर इंसान प्राप्त कर सकता है, बस आपको अपने बसरते सोच और मन को जब अपने कार्य करोगे, अपने अपने अंदर जब सच्चाई लाओ, अपने आप से सत्यता रखोगे, अपने आप से कमिटमेंट रखोगे तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत